क्या नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज की पहली रकत में पढ़ी जाएगी या हर रकत में पढ़ना वो लाजिम है? भाई, लाजिम किसी रकत में भी नहीं है, सुन्नत है, बेहतर है। जब पहली रकत में आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं तो सना पढ़ें, सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। अगर आप दरमियान से कहीं से तिलावत कर रहे हैं सूरत के तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। तो सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें आप, सुन्नत है। फिर जब दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह, और फिर जब सूरह फातिहा पढ़ के नई सूरत शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह। अगर सूरत शुरू नहीं करते, कुरान के दरमियान से पढ़ते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह सूरत शुरू करने से पहले पढ़ना सुन्नत है। तो चाहे सूरह फातिहा हो या कोई नई सूरत हो, उससे पहले बिस्मिल्लाह आम हालात में भी पढ़नी चाहिए और नमाज में भी। लेकिन ये वाजिब नहीं है, मैंने बताया, सुन्नत है, छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं है।